सबसे पहले हम बात करेंगे इरेडा लिमिटेड के बारे में। इरेडा लिमिटेड की बात करें तो कल के दिन फिर से स्टॉक सभी के फोकस के ऊपर रहने वाले, और उसके पीछे का रीजन है कि स्टॉक के मोमेंटम, क्योंकि फ्राइडे के दिन इन स्टॉक में हमें जिस प्रकार के शानदार तेजी देखने को मिला था, 7.7% की तेजी, और ये भी देखा जाए कि 3:30 बजे बाजार क्लोज हो गए, इसलिए अगर मार्केट और थोड़ी देर ओपन रहता तो शायद से ये तेजी आपको 7% की जगह 10 से लेकर 12% तक भी देखने को मिल जाता। और खास करके जो मार्केट क्लोज होने से कुछ चंद मिनट पहले जो स्टॉक में हमें इस प्रकार का सूटअप देखने को मिला, तो आपको पता है इस सूटअप के पीछे भी हमें ढेरों सारे पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिला था, जिसमें से सबसे बड़ा न्यूज़ तो था दोस्तों ग्लोबली फुटसी इंडेक्स में ऐड होना, जिसके चलते ये बताया जा रहा है कि लाइकली सिर्फ और सिर्फ इस इरेडा कंपनी में 57 मिलियन इतने बड़े इन्फ्लो आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये 57 मिलियन देखा जाए तो बहुत बड़े इन्फ्लो है, जिसके चलते 90% हमें स्टॉक में शानदार रैली देखने को मिला। और बाकी और भी चीज़ें देखा कि एक बहुत बड़े रेटिंग एजेंसी ने इनके जो रेटिंग है वो पॉजिटिव रेटिंग हमें देते देखने को मिला, जिसके चलते भी एक पॉजिटिव माहौल बना था। साथ ही साथ इसके चलते फिर ब्रोकरेज हाउस आगे स्टॉक को और भी होल्ड करके चलो, और स्टॉक में नेक्स्ट हफ्ते और भी अच्छे खासे मोमेंटम हो सकता है, और स्टॉक 200 को ब्रेकआउट देके 220 से लेके 230 तक भी ये रैली शॉर्ट टाइम में दिखा सकता है। ये तो था दोस्तों फ्राइडे दिन तक की न्यूज़, बट आज के दिन फिर से इस कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल गया, जिसके चलते शायद से इस अपडेट के चलते कल के दिन भी इन स्टॉक में आपको छोटे मोटे तेजी देखने को मिल सकता है। और वो अपडेट है दोस्तों फंड रेज, कंपनी फिर से फंड रेज करने जा रहे हैं, बॉन्ड के थ्रू कंपनी 1500 करोड़ का आपको फंड रेज करते हुए देखने को मिल। तो ऑब्वियसली ये फंड रेज कोई भी कंपनी अगर करता है तो अपने कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए करता है, और ये जो कंपनी लगातार फंड रेज कर रही है, इससे पहले 24,000 को किया था, इससे पहले 20,000 करोड़ का, और अभी 1500 करोड़ का बॉन्ड के जरिए वो फंड रेज करने जा रहे हैं। और इसके पीछे का रीज़न है अपने डिमांड को फुलफिल करना, यानी कि जो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में जो अपना फाइनेंस प्रोवाइड करता है, जो लोन देने का कंपनी काम है, तो जिस प्रकार के डिमांड आ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में लोन से रिलेटेड, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कंपनी ये फंड रेज कर रहे हैं, ताकि फंड रेज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अपना लोन प्रोवाइड करेंगे, जितने ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे उतने ज़्यादा ही कंपनी को इनकम होगा, यानी कि इंटरेस्ट आएंगे, और जितने इंटरेस्ट आएंगे उतने आने वाले टाइम में कंपनी अच्छे करेंगे, जो चीज़ें उन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया। और इसके पीछे का मेन मोटिव है जो हमारे इंडिया का टारगेट है, जो गोल है कि आने वाले 2030 तक हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल में हमें इंस्टॉलेशन कैपेसिटी हम टारगेट अचीव करेंगे, जिनमें इस इरेडा कंपनी का भी आपको बहुत बड़े योगदान देखने को मिल जाएगा, जो कि यह हमें कंपनी के जो CMD है प्रदीप कुमार दास, इनके साइड से हमें स्टेटमेंट देखने को मिला। तो सारी चीज़ों को जोड़ के देखा जाए दोस्तों, तो ये जो इरेडा कंपनी है जो अभी अभी शुरुआत से लेकर अभी तक जिन्होंने IPO जिनको लगा था उनको भी कमाल के प्रॉफिट है, जिनको IPO नहीं भी मिला शुरुआत में खरीदा वो भी प्रॉफिट में, जिन्होंने उसके बाद खरीदा वो हर कोई अच्छे खासे प्रॉफिट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि 200 जाएगा 300 जाएगा कि शॉर्ट टाइम के हिसाब से, बट मैं लंबी अवधि की बात करूँ, ये 200 के स्टॉक आने वाले फ्यूचर में ये आपको 200 का 1000, 1000 का 2000 भी जाते आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ से भी ये कंपनी आपको 10-10 गुना बड़ी बनते देखने को मिल जाएगी। इतने पोटेंशियल हमें इस कंपनी के अंदर और इस कंपनी के जो सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इस सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। बट फिलहाल अगर हम शॉर्ट टाइम की बात करें तो देख सकते हो कि 200 को आके बार बार हर्डल फेस करता है, तो जो मोमेंटम स्टॉक में बना था, जो बहुत बड़े कैंडल फ्राइडे के दिन बना था, और ऊपर से आज के दिन और एक फंड रेज की न्यूज़ है, तो अगर कल के दिन बाजार में माहौल बना रहा तो शायद से कल के दिन ये 200 को ब्रेकआउट दे दे। बट ब्रेकआउट देना और सस्टेन दिखाना इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे वो 200 को ब्रेकआउट देगा जो कि आज ही तो कल देने वाले, उसके बाद सीधा आपको 225 से लेके 300 का टारगेट भी आपको शॉर्ट टाइम में देखने को मिल जाएगा। ये मैं शॉर्ट टाइम की टारगेट बता रहा हूँ, बट लॉन्ग टाइम के लिए बने रहोगे तो 200 के स्टॉक आपको फ्यूचर में 2000 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो किसी के पास है आप चाहो तो बहुत ही लंबी अवधि के बारे में कंसिडर कर सकते हो, किसी को एंट्री लेना है तो स्टॉक नियर बाय ब्रेकआउट के करीब है, हो सकता है ब्रेकआउट भी दे दे, बट ब्लाइंड नहीं खरीदना है। कुछ दिन बाद कंपनी के Q1 के नंबर आएंगे, नंबर को देख लो कंपनी की ग्रोथ कैसा है, मैनेजमेंट के आगे की टारगेट कैसा है, गाइडेंस कैसा है, उसके बाद बड़ी आराम से इसके बारे में डिसीजन आप ले सकते हो। अगला स्टॉक की बात करें तो और एक दमदार कंपनी आरबीएल लिमिटेड की बात करें तो ये भी स्टॉक कल के दिन आपके फोकस में रहेगा। उसके पीछे का रीज़न है कि एक तो मोमेंटम जो तेजी हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिला था बहुत ही कमाल के, और ऊपर से 400 के ऊपर ही स्टॉक ने अपने आप को क्लोजिंग दिया, और उसके पीछे पता आपको दो मेन रीज़न था। एक तो कंपनी को फिर से फ्राइडे के दिन ही ड्यूरिंग द बाजार एक कमाल के ऑर्डर मिला था, जिसके चलते स्टॉक में एक कमाल की रैली आया था,
साथ ही साथ जो बजट से रिलेटेड जो हमें अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है कि शायद से रेलवे स्टॉक फोकस में है, उसके पीछे का रीजन है कि शायद से इस बजट में जो हमें जुलाई में देखने को मिलेगा तो रेलवे सेक्टर को एक अच्छे खासे एलोकेशन दिया जा सकता है। अगर इस प्रकार के अपडेट निकल के आता है, रेलवे सेक्टर को अगर अच्छे खासे एक्सपोजर दिया जाता है, तो रेलवे सेक्टर में आपको बजट के बाद और भी कमाल के रैली देखने को मिल सकता है। और ये न्यूज़ दोस्तों हमें ये न्यूज़ तो हमें बजट के बाद ही देखने को मिलेगा। बट फिलहाल अगर हम बात करें जिसके चलते कल के दिन स्टॉक फोकस में रहेगा, उसके पीछे का रीजन है कि कंपनी को आज फिर से एक प्रोजेक्ट मिला है, रेलवे प्रोजेक्ट जो कि 191 करोड़ का, जो कि कंपनी लोएस्ट बिल्डर के हिसाब से आया। तो डेफिनेटली ये भी देखा जाए, ये भी बहुत ही कमाल की न्यूज़ है। जितने ज़्यादा कंपनी को ऑर्डर मिलेगा तो आने वाले जो फ्यूचर के नंबर आएंगे, जैसे जैसे कंपनी इस ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे, वैसे वैसे आने वाले कंपनी को पार्ट पेमेंट में कंपनी के पास पेमेंट आते रहेंगे। तो आने वाले जो फ्यूचर के कंपनी के नंबर आएंगे क्वार्टरली, वो आपको बहुत ही कमाल के और बहुत ही खतरनाक देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद भी आपको स्टॉक प्राइस में कमाल की रैली देखने को मिलेगा। और उसके बाद तो आपको बताइए कि ब्रोकरेज हाउस आ जाता है स्टॉक को अपग्रेड करने के लिए कि भाई माहौल अच्छा है, पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, कंपनी को हर रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं और बजट भी आ गया और बजट ने भी एलोकेशन अच्छे दे दिया, तो स्टॉक सीधा 500 से लेकर 600 तक भी जा सकता है। देखो हर किसी को पता है कि भाई एक टाइम पे 20-30 रुपये में थे, आज 400 पर ट्रेड करें तो 400 का स्टॉक 500-600 क्या 400 का फ्यूचर में 4000 भी जा सकता है। इतना पोटेंशियल इस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में है और खास करके इस RBNL लिमिटेड कंपनी है। अभी तक देखा जाए 1400 से लेकर 1500% की प्रॉफिट बना के दिया है, पर जिस प्रकार की ग्रोथ, जिस पाथ पे कंपनी चल रही है, जिस पाथ पे सरकार चल रही है, इस रेलवे सेक्टर को लेके, इस रेलवे सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर के लेके, तो डेफिनेटली ये कंपनी आगे और भी बड़ी कंपनी आपको बनते देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल अगर हम बात करें तो 400 को उसने क्लोजिंग तो दिया जो कि इससे पहले भी दिया था, सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। सस्टेन करेंगे तो नेक्स्ट आपको 500 का टारगेट शॉर्ट टाइम में देखने को मिल सकता है। तो जिसके पास भी आप ज़रूर लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हो। फिलहाल किसी को एंट्री लेना है तो इग्नोर करो, क्यों? क्योंकि स्टॉक एकदम टॉप पे है, बजट तक रुक जाओ। अगर बजट में फिर से थोड़ा बहुत कुछ जिस उम्मीद के चलते स्टॉक में रैली आ रहा है, अगर वो उम्मीद ना हो या कुछ एलोकेशन ना दे, तो रेलवे सेक्टर में आपको एक अच्छे खासे गिरावट भी देखने को मिल सकता है। आप चाहो तो उस गिरावट का आप फायदा उठाने के बारे में कंसिडर कर सकते हो। देन अगला स्टॉक की बात करें तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। सो पॉलीकैब की बात करें तो ये भी दमदार कंपनी है, सो ये भी शानदार कंपनी है। आप चाहो तो इसको भी अपना फोकस बना के रख सकते हो। उसके पीछे का रीज़न है कि फ्राइडे के दिन देखा जाए इन स्टॉक ने भी एक बहुत ही अच्छे खासे रैली दिखाया था। रफली भी देखोगे तो 2%, बट बीच में ये तेजी में लगभग 4% देखने को मिला था। साथ ही साथ इसने 7200 का एक ऑल टाइम हाई भी अचीव किया था। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसने 7000 के ऊपर ही इसने अपने आप को क्लोजिंग दिया। तो क्या आप ये स्टॉक के 7500 से लेके क्या 8000 से लेके 8500 तक की रैली दिखा पाएगा? क्योंकि अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम बहुत ही कमाल के बना हुआ है। और आपको ये भी पता है कि जब भी ये स्टॉक इस प्रकार के इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट देता है, उसके बाद एक बहुत बड़े मूव आता है। जब भी 3000 को ब्रेकआउट दिया सीधा 4000 को ब्रेकआउट दिया तो 5000 को ब्रेकआउट दिया तो 7000, और एक तरफ रैली बना हुआ है तो सीधा साथ साथ आपको 8 से लेकर 9 या तक कि 10000 तक भी आपको ये शॉर्ट टाइम में रैली दिखा सकते। तो कंपनी बहुत दमदार है। हर किसी को पता है कि फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ग्रोथ है, और हाल ही में मैंने आपको डेटा भी दिखाया था कि आने वाले 2030 तक इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग आपको 10% की CAGR से आपको ग्रो करते देखो। सिर्फ और सिर्फ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, और अगर हम WNC बिजनेस की बात करें यानी कि वायर एंड केबल सेगमेंट की बात करें, तो ये भी लगभग 14 से लेकर 15% के इंडस्ट्री ग्रो करने वाला है। तो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो इंडिविजुअल कंपनी है, पॉलीकैब जैसी कंपनी जो कि अपने सेक्टर का लीडिंग कंपनी है, तो इनके तो ग्रोथ जो अभी तक दिखा जा रहा है, ये ग्रोथ भी शायद से कंपनी आने वाले 5-10 साल भी इसी प्रकार की ग्रोथ आप कंपनी आपको मेंटेन भी रखते देखने को मिल सकते हो। जिसके पास भी भाई जितना लंबी अवधि बने रहो, तो लंबी अवधि में कंपनी आपको और भी अच्छे करते देखने को मिल सकता है। बस किसी के पास है नहीं तो टॉप पे है, रैली को देख के बाय मत करो। मार्केट है हमेशा मौका देगा, जो यहाँ पे दिया था तो आगे भी कभी ना कभी आपको मौका मिल जाएगा। और ऊपर से कुछ दिन बाद Q1 के नंबर भी आएंगे, अगर नंबर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुआ तो एक छोटे मोटे आपको प्रॉफिट की बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। तब भी चाहो तो आप इसके बारे में फ्रेश एंट्री लेने के बारे में कंसिडर कर सकते हो। आखिरी स्टॉक की बात करें तो शेयर इंडिया लिमिटेड। सो शेयर इंडिया लिमिटेड की बात करें तो बहुत ही शानदार कंपनी है, लगभग 1500 के आसपास ये स्टॉक है, और अभी तक देखा जाए पिछले 3-4 सालों में इन्वेस्टर को बहुत ही कमाल के प्रॉफिट बना के दिया, लगभग 1300-1300% के प्रॉफिट। और स्टॉक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हाल ही में कंपनी के मैनेजमेंट ने 1:5 का स्प्लिट का अनाउंसमेंट, जिसके चलते हमें स्टॉक में और भी अच्छे खासे हलचले देखने को मिले।
और जो स्प्लिट कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था उसके एस्टेट भी निकल का चुका है नेक्स्ट हफ्ते 27 जून, यानी कि इसी हफ्ते। तो 27 जून से पहले अगर कोई भी स्टॉक का बाय करता है तो इस एक के बदले 5 शेयर के एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि आपको बिल्कुल नहीं जाना है। अच्छे कंपनी के साथ बने रहोगे तो इस प्रकार के बोनस स्प्लिट आपको अच्छे स्टॉक में भी फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं।